दोस्तों नमस्कार, कैसे हो सब दोस्तों। आज जो है इमर्सन रोड का सबसे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो है आप लोग को बताएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये इमर्सन रोड, इसको खोल के रखा हूँ मैं। तो ये देखिए, ये खोल करके मैं रखा हूँ। अगर आपका इमर्सन रोड भी बाहर से जो है देखने में सही है, तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि फॉल्ट ये है कि देखिए, इसका जो कनेक्शन है यहाँ से जो है कनेक्शन जो है टूट जाता है या तो छूट जाता है, जिसके वजह से जो है इमर्सन जो है काम करना बंद कर देता है। तो ये देखिए, मैं इसको खोल के रखा हूँ और एक तरफ से जो है इसका कनेक्शन छूटा हुआ है। देखिए पहले हम लोग ये कोयल को चेक कर लेते हैं। देखिए कोयल तो जो है 90% चांसेस कम रहता है ख़राब होने का। ये देखिए कोयल बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपका भी जो है इमर्सन जो है बिल्कुल सही है, कोयल वगैरह जो है देखने में फटा फूटा नहीं है, तो आप जो है इसको रिपेयर कर सकते हो, बहुत ही आसान है। ये देखिए इसका कोयल बिल्कुल सही है। इससे मेरा सीरीज लैम्प में जो है कंटिन्यूटी बता रहा है, बल्ब जो है ग्लो कर रहा है। तो आप देख सकते हो इसको, जैसे ही मैंने खोला एक तरफ का जो कनेक्शन है छूटा हुआ है। तो ये देखिए, ये हमेशा इमर्सन में यही प्रॉब्लम होता है, इसका जो कनेक्शन है यहाँ पे जो लगा के रखा है, ये कनेक्शन जो है टूट जाता है या तो छूट जाता है। तो चलिए ये लोग, इसको आप लोग जो है कैसे ठीक करेंगे आसानी से अपने घर में। तो ये देखिए, पहले ये कनेक्शन वायर को जो है खोल लीजिए। तो ये देखिए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये दोनों फेस न्यूट्रल का जो कनेक्शन है, ये जो ब्लैक कलर का नेगेटिव पॉइंट है अपना, ये पॉइंट जो है यहाँ से छूट गया। देखिए तो लगाने से, ज्वाइन करने से पहले जो है आप अपना जो पावर कोट है इसका, इसको भी एक बार जो है कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए। अगर सीरीज लैम्प नहीं है तो आप मल्टीमीटर का मदद से भी चेक कर सकते हो, या तो इसका दोनों पॉइंट में एक बल्ब को कनेक्ट करके भी आप जो है डायरेक्ट प्लग इन करके इसको चेक कर सकते हो, इसका वायर को। तो ये देखिए, इसका जो इंडिकेटर था जहाँ पे जो कि लाइट ग्लो करता है ऑन करने के बाद, इंडिकेटर भी जो है बिल्कुल जला हुआ था। तो देखिए इंडिकेटर, ये देखिए ये इंडिकेटर जो है एक तरफ से इसका कनेक्शन पूरा छूट गया है। इसका कारण ये है कि देखिए, हम लोग कभी कभी जो है इसको जो है ज़्यादा पानी में जो है लगा करके इसको इस्तेमाल करते हैं, तो पानी जो है अंदर तक चले जाता है, तो इसका वजह से जो है इसका कनेक्शन वगैरह जो है आयरन की वजह से जो है जंग पकड़ के जो है टूट जाता है। तो ये देखिए, ये इंडिकेटर को भी जो है हम लोग रिप्लेस करना पड़ेगा। तो पहले ये जो नट बोल्ट है इसको थोड़ा सा लूज़ कर देंगे, यहाँ पे जो कनेक्शन पे लगा के रखा है। तो थोड़ा सा ऑयल वगैरह लगा करके आप इसको हल्का सा ज़्यादा प्रेशर लगा करके खोलने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि टूट जाएगा। तो हल्का सा थोड़ा सा ऑयल मार के जो है, या मैकेनिकल ऑयल जो है मार करके आप इसको निकाल सकते हो। देखिए मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा लूज़ कर देना। तो ये देखिए, ये इंडिकेटर का कनेक्शन जो टूट गया था यहाँ से दिख रहा है हम लोग को। तो यहीं पर जो है इंडिकेटर को जोड़ेंगे हम लोग। तो देखिए, ये जो नेगेटिव पॉइंट छूटा हुआ है, इसको जो है आप जो है जोड़ सकते हो, या तो सोल्डरिंग आयरन आपके पास है तो सोल्डरिंग आयरन से जो है इसको अच्छी तरह से जो है दबा करके, समय लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी तरह से इसको सोल्डरिंग कर दीजिएगा। तो अभी ये देखिए, एक पॉइंट इंडिकेटर का यहाँ पे छूटा हुआ है, ये पॉइंट को हम लोग जो है इंडिकेटर जोड़ेंगे। अगर इंडिकेटर आपके पास नहीं है, तो कोई भी इलेक्ट्रिक शॉप से जो है, जो इलेक्ट्रिक का जो स्विच बोर्ड में इंडिकेटर लगा रहता है, वहाँ से जो है एक इंडिकेटर का जो बल्ब रहता है अंदर, उसको खोल करके आप ले सकते हो। ये देखिए मैं इसको खोल करके लिया हूँ, जो इंडिकेटर होता है बोर्डों में लगाते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड में। तो इसको, इसका जो कनेक्शन है, एक आप नेगेटिव में जोड़ दीजिए, एक पॉजिटिव में जोड़ दीजिए। तो देखिए, उस एक नेगेटिव तरफ का तो थोड़ा सा वायर निकला हुआ था, पॉजिटिव तरफ में जो है थोड़ा सा वायर जो हम लोग को दिख रहा है ये कनेक्शन का, ये भी जो है थोड़ा सा रस्टी है। तो इसको थोड़ा सा क्लीन करके जो है, जो इंडिकेटर का पॉइंट है उसमें जो है हम लोग जोड़ देंगे। और ये नेगेटिव तरफ का जो नट है इसको भी टाइट कर देंगे, ज़्यादा टाइट मत कीजिएगा,
तो थोड़ा सा हल्का सा रस जो लगा हुआ है, रस्टी जो लगा हुआ है, इसको भी क्लीन करके जो है सोल्डरिंग आयरन जो है सॉल्डरिंग जो है हम लोग अच्छी तरह से और भी थोड़ा सा लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी हीट जो है होने लगता है यहाँ पे जब ये गर्म होने लगता है। तो ये देखिए दोस्तों, हमेशा हम लोग जो है अक्सर क्या करते हैं, ये ख़राब होते ही जो है हम लोग फेंक देते हैं, नया ले लेते हैं। अब इसको जो है इस तरह से थोड़ा सा समय लगेगा, 5-10 मिनट खोल करके जो है आप इसको जो है इस तरह से ज़रूर जो है कनेक्शन वायर जो है टूट गया होगा, तो खोल करके थोड़ा सा देख करके अगर हो सकता है तो जो है इस तरह से कनेक्शन को दोबारा से करके जो है आप इसको फिर से जो है आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, कोई जो है परेशानी नहीं होगी आपको। तो ये देखिए, हम लोग इसका कवर वगैरह को लगाने से पहले एक बार सप्लाई से जो है इसको कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए इंडिकेटर जो है ग्लो करने लगा है, सिर्फ एक सेकंड के लिए, एक सेकंड से भी कम जो है प्लग इन करके देखेंगे, ये देखिए तुरंत ही गर्म हो जाता है और इमर्सन जो है गर्म होने लगा है। तो अभी इसका जो कवर है इसको बैठा देंगे हम लोग। और इसमें सबसे जो है परेशानी करने वाली चीज़ क्या है ये दोस्तों, ये देखिए, ये इसको तो आप खोलते वक्त जो है आसानी से खोल लेते हो, लेकिन इसको जब लगाते हो थोड़ा सा जो है दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है इसमें, क्योंकि ये इतना आसानी से जो है लगता नहीं है, लगाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है हम लोग को। तो ये वायर को हम लोग पहले जो है अपनी जगह में बैठा देंगे, जो होल्डर यहाँ पे लगा हुआ है इसको लगा देंगे स्क्रू। अब देखिए ये इसको लगा दें हमें, ये कवर को लगाने के लिए जो है ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो है ये इंडिकेटर का जो लाइट जो है दिखाने लगता है हम लोग को, ये कवर में ये लाइट का जगह भी फटा हुआ है। तो ये देखिए थोड़ा सा पोजीशन में लगा देंगे इंडिकेटर को। अब देखिए ये जो क्लिप यहाँ पे लगा हुआ है, ये क्लिप के साथ एक छोटा सा स्क्रू लगा होता है, तो शायद किसी ने इसको खोला है तो स्क्रू जो है नहीं है यहाँ पे, स्क्रू जब मैंने इसको खोला तो स्क्रू नहीं मिला इसका। तो देखिए इस तरह से ये थोड़ा सा परेशान होते हैं लगाने में आपको। देखिए अभी जो क्लिप है क्लिप में फंस रहा है, देखिए ये कवर जो है लगता नहीं है। तो आपको इसके लिए क्या करना है ये देखिए मैं बता रहा हूँ, ये दूसरा एक मैं एक स्क्रू लिया हूँ। देखिए ये स्क्रू यहाँ पे जो है होल, दो होल बना हुआ है, देखिए जो सामने तरफ का होल है उसमें जो है आपका कवर का जो स्क्रू लगेगा, और ये क्लिप जो है इसका अलग से स्क्रू लगेगा इस तरह से। देखिए ये जो नीचे वाला होल है, तो यहाँ पे ये स्क्रू को लगाने के लिए आप जो है उल्टी तरफ में इसका एक छोटा सा नट भी रहता है, नट का साथ ही आपको लगाना है, अगर नहीं मिलता है तो आप कहीं से भी ढूंढ के लगा लीजिएगा। तो देखिए ये नट इस तरह से निकल के आता है, उसके साथ जो है एक हैंडल जो है लगा रहता है, जो बाल्टी में जो है हम लोग फंसा के रखते हैं आयरन को, तो वो चीज़ भी यहाँ से गायब है। तो मैं इसको खाली स्क्रू को लगा देंगे। देखिए इंडिकेटर को थोड़ा सा लगाने से पहले थोड़ा सा वायर वगैरह को जो है ध्यान से जो है जगह में बैठा दीजिएगा, क्योंकि जगह बहुत ही कम है यहाँ पे अंदर। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव अगर टच हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद देखिए कवर जो है आसानी से जो है अंदर चला गया है। देखिए उसके बाद जो है ये स्क्रू जो पकड़ के रखता है यहाँ पे, स्क्रू को लगा लीजिए। अब देखिए दोस्तों इस तरह से आप जो है आसानी से इसको जो है थोड़ा सा समय लगा करके रिपेयर करके जो है आसानी से चला सकते हो। ये चलने लगेगा अभी और जो है आराम से जो है सर्विस देने लगेंगे। तो चेक करने से पहले कवर को लगाने के बाद एक बार कंटिन्यूटी ज़रूर चेक कर लीजिएगा, कहीं इसमें जो है कंटिन्यूटी तो नहीं बता रहे फेस न्यूट्रल में, क्योंकि ये रॉड में जो है कंटिन्यूटी नहीं बताना चाहिए। सॉरी जो कॉयल है यहाँ पे, तो देखिए कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है तो सही है, अपना एटिंग में तो बताएगा, एटिंग के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जो है इसका कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अंदर से होता है लेकिन बाहर का जो इसमें जो पिटल का जो कवर लगा होता है इसमें नहीं होना चाहिए। देखिए मैं पावर दे दिया हूँ, लाइट भी ग्लो करने लगा है।
चलिए ऑफ़ करके देख लेते हैं। ये देखिए गर्म होने लगा है, तुरंत ही गर्म हो जाता है, बहुत ही जल्दी इसका प्रोसेस है गर्म होने का। ये देखिए इंडिकेटर जो है थोड़ा सा पीछे हट गया है, तो इसको थोड़ा सा जगह में ला लेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, लाइक कर दीजिए, धन्यवाद दोस्तों।